मेरा चैनल और मैं हूँ रुचि। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मुझे कोल्ड है तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो है वो है हेयर को लेकर के, यानी बाल काले करने के तरीकों को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस तरीके की कि बाल को काला करने के लिए क्या करें। आप मेहंदी से, आप इंडिगो पाउडर से, आप लौंग से, आप कलौंजी के पाउडर से, कड़ी पत्ते से, बहुत और भी बहुत तरह की वीडियोस तरीके की आई है जिससे कि आप अपने बालों को इजीली ब्लैक कर सकते हैं और अच्छा एक कलर दे सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल है या फिर ऑफिस वर्किंग महिलाएँ जो हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 से 3 घंटे अपने बालों को दे सके मेहंदी लगा के। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऑयल बना रही हूँ जिसको आपने अगर लगा लिया, अप्लाई करने के 15 मिनट बाद ही आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल काले हो जाएंगे। अगर आप जड़ से लगाते हैं तो जड़ से काले होंगे, और अगर अपने हेयर में अप्लाई करते हैं तो हेयर में काले हो जाएंगे आपके बाल। तो इससे क्या है कि उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो जिनको बहुत जल्दी होती है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो इस तरीके से, एक तरीके से जैसे कि कलर होता है, आपने उसको लगा दिया है 30 मिनट बाद आपने वॉश कर लिया, तो इसको 30 मिनट के लिए भी लगा के नहीं रखना है। अगर आपने 15 मिनट भी लगा के रखा हुआ है तो भी आपके बाल काले हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कारगर और टेस्टेड ये फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें बहुत से जितनी भी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं इनमें, वो सारे के सारी आपके बाल को काला करने के लिए, बालों की शाइनिंग बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, और कोई भी रेमेडी इसमें, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उस रेमेडी में, उसको स्किप मत कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करते हैं तो आपको इसका पूरा जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगी। आपके घर में ही चीज़ें अवेलेबल होंगी, और कुछ चीज़ें जो नहीं अवेलेबल है उनको आप मार्केट से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा ऑयल बनाते हैं जिससे आप 15 मिनट में अपने बाल को काला कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी स्कैल्प इचिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना गाइस, क्योंकि लाइक करने से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है आप लोग के लिए और भी अच्छी और नई जानकारियों के साथ वीडियो बनाने की। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी पसंदीदा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। को ऑन कर लिया है एंड इसमें मैं डालूँगी लगभग 3 चम्मच आंवला पाउडर, और इसे हमें रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करना है हमें तब तक जब तक ये हल्का काला ना हो जाए और अपना रंग जो है वो चेंज ना कर दे। तो देखिए आंवला का जो पाउडर है वो कलर चेंज होने लग गया है। तो इसी तरीके से इसको चलाते हुए एकदम से इसका कलर जो है हमें चेंज करना है, हमें काला कलर इसका करना है। एंड अब इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। अब मैं यहाँ पे डालूँगी लगभग उतने ही 3 चम्मच के करीब चाय पत्ती, और साथ ही साथ यहाँ पे 4 लौंग। तो जैसे कि आपको पता है, चाय पत्ती भी बालों को कलर देने के लिए, ब्लैक करने के लिए, रेड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और लौंग जो है, लौंग का धुआं आपने सुना होगा, जब हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी को और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए, रचने के लिए हम लौंग का धुआं यूज़ करते हैं, ताकि हमारी मेहंदी का जो कलर है वो और ज़्यादा अच्छा निखर के आ सके।
तो बाल को काला करने के लिए भी इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। बाल को जल्दी अगर आपको इंस्टेंट काला करना है तो इससे अच्छी रेमेडी आपको मिलेगी नहीं। तो इसको भी ऐसे ही आपको फ्राई करना है, इसको भी बिल्कुल काला कर लेना है अच्छे से भून के। पे ये भी एकदम काला हो गया है रंग इसका, चाय पत्ती का आप देख रहे होंगे, इसने अपना रंग बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे करते हैं बंद और इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं एक बाउल में। उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है मिक्सी में अच्छे से, होता है वो रेडी कर लेना है। तो अब इसको हम आगे इसका प्रोसेसिंग करते हैं। अगेन मैं आ गई हूँ अपने पैन की तरफ और इसको गैस चला लिया है मैंने। तो अब हमें ऑयल बनाना है, तो ग्राइंडिंग वाला सारा काम हो गया। तो ऑयल के लिए हमें, मैं यहाँ पे नारियल तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नारियल तेल जो है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बालों की शाइनिंग के लिए अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होता है ये ऑयल, इसलिए मैं यहाँ पर नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो नारियल का तेल हमें लगभग लेना है इतना कि आपका, मतलब आपको जितने टाइम के लिए इसको बना के रखना हो आप उतना यूज़ कीजिए। तो मैं क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो मतलब 6 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे नारियल का तेल यूज़ किया है। ऑयल की तरह आप इसे बना के रख सकते हैं, आप इसको महीनों सालों यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसमें ये मिक्सर जो हमने इस तैयार किया था ग्राइंड करके वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे और अच्छे से ऑयल में हम इसको पकाएंगे। तो इसको आपको लगभग 10 मिनट तक अच्छे से फुल फ्लेम में पकाना है और बिल्कुल ऐसे चलाते हुए कि ये नीचे से और ना जले बिल्कुल भी, अच्छे से मिक्सअप हो जाए और पक जाए। तो यहाँ पे मैं ऑयल थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो नारियल का तेल मैंने यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक था, और इसको अच्छे से हमें पकाना है। तो आप देख रहे होंगे कलर तो वैसे ही ब्लैक है क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ की वो सारी ही आपके बालों को इंस्टेंटली ब्लैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और नारियल का तेल तो आप जानते ही होंगे नारियल के तेल के गुणों के बारे में कि नारियल का तेल बालों की ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही तेज़ी से ये बाल आपके बढ़ाता है, शाइन भी लाता है बालों में, चमकदार बनाता है और लाइट वेटेड होता है नारियल, जो कि इसकी तासीर ठंडी होती है। बिल्कुल भी आप इसको गर्मी में यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से इसको 10 मिनट तक आपको पकाना है एंड इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। बिल्कुल अब इसमें ये अच्छे से पक गया है और इसमें से धुआं भी निकलने लग गया है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम छान लेंगे एक बॉटल में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को कन्वर्ट कर लिया एक बोल में और देखिए कितना ये कलर ही इसका है, इतना काला है आया है थिक। और इसे अप्लाई करना है कॉटन डिप करके, तो कॉटन को डिप करेंगे इसमें इस तरीके से और ये देखिए कितना गहरा कलर इसका आया है। और इस कॉटन को अपने स्कैल्प से लेकर के, मतलब अपने बालों की जड़ों से लेकर, जैसे आपको यूज़ करना हो अपने बालों की जड़ों से लेकर के या फिर अपने बालों में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको
डेली मतलब यूज कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन जब आप शैम्पू करते हैं उसके पहले भी इसको यूज करके शैम्पू कर सकते हैं, और आपके बाल लिटरली आपके बाल काले हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेंगे, सिल्की रहेंगे, शाइनी रहेंगे, क्योंकि इस एक ऑयल में आपके बाल काले करने के भी हैं गुण, और साथ ही साथ आपके बाल नरिश, स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की शाइनी करने के भी हैं। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और इस जो मैंने वीडियो बनाई है इसको ज़रूर बनाना, अप्लाई करना अपने बालों पे। अगर आपको इंस्टेंटली अपना रिजल्ट चाहिए कि आपको 15 मिनट में बाल आपको काले करने हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।